हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का टारगेट एसएमपी में। देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। तो देखो यार, मेरे आपको पता होगा कि मेरे एसएमपी में पूरी की पूरी वॉर छिड़ चुकी है, ठीक है। एंड उन लोग भी अपना ग्राइंडिंग कर रहे होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता उन लोग के बारे में। एंड मैंने तो बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करी है, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको अगर ये लग रहा है ना कि मैंने ये सब क्रिएटिव से लिया है, तो देखो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जो सब कुछ अपने मेहनत से लिया है, पर वो वाला वीडियो डिलीट हो गया यार। ऐसा पता नहीं लॉल यार, सबके साथ ऐसा ही होता है, बट मैं लिटरली अभी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो वाला वीडियो डिलीट हो गया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रूफ कि मैंने ऐसे कैसे किया, ठीक है। ये सब मैंने कहाँ से लाया, एनचैटेड इतना सब कैसे किया। तो देखो यार, अगली वीडियो में आपको पता था कि हम लोग जो है भाग भाग के जा रहे थे अपने, मतलब ऐसे मतलब हो गई थी वॉर, उसके बाद हम लोग भाग भाग के जा रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जो है उसने अपना बेसमेंट बनाया और हम लोग ने अपना बेसमेंट बनाया। तो बस हम लोग ने इतना तगड़ा बेसमेंट बनाया ना, मतलब किसको पता भी नहीं चलने वाला, ठीक है। एंड ये जो है ना विलेज, देखो आगे उधर देख रहे हैं आपको, ये विलेज है, ठीक है। एंड उसके इधर ही जो है हम लोग का बेसमेंट है, इधर ही किधर, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। एंड सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा है भाई साहब। ये देखो, ये सबसे पहले ये देख रहे हो, ये हॉर्न है। आपको पता होगा कि ये अभी न्यू न्यू आया है, ठीक है। 1.18 में आया है, ठीक है। ये 1.18.30 में आया है, ठीक है ये। एंड ये वाला है, मतलब अगर हम लोग रेड में जीत जाते ना तो हमको ये ड्रॉप करके मिल जाता है। तो ये मेरे को मिल गया। नहीं, एक बार देखो, प्रोटेक्शन इसमें 4 है, अनब्रेकिंग और मेंडिंग है, ठीक है। इसमें भी सब में सेम है, ठीक है। आप देखो, इसमें रिप्टाइड भी लगाया है, ठीक है मैंने। एंड ये सब कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यार, आप अगर आप देख रहे हो मेरा बेसमेंट, दिखाता हूँ सबसे पहले। देखो यार, अगर यहाँ पे कोई भी आता है ना तो उसको पता भी नहीं चलने वाला भाई ये कौन सी जगह है। पर देखो यार, अगर कोई भी ऐसे नीचे आता है, आप देखो इधर से, अगर कोई भी यहाँ से नीचे आता है ना, एंड अबे नोबड़े, अब देखो गाइस, इधर इधर आपको सीढ़ियाँ दिख रही है, ये देखो गाइस, ये है हम लोग का बेसमेंट। एंड गाइस, अभी तो आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा कि यार ये कोई लुक वुक है कि नहीं। अब देखो यार, मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है। मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेरे दोस्त और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो वाला बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखो, ये जो भी हुआ है ना इससे हुआ है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो, इधर से हम लोग ने एन्चेंट किया है और ये सब कुछ यहाँ से ही मिला है, ठीक है, हमको इन्चेंटिंग टेबल से। और आप नीचे देखोगे तो इधर हम लोग ने बना के रखा है एक्सपी फार्म, ठीक है। ये आप देख रहे हो, आपको पता होगा ये पटेट वाला एक्सपी फार्म, ये वाला हम लोग ने इधर बना के रखा है, मतलब मैंने ये वाला बनाया था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर नीचे देखो, ये देखो भाई साहब, ओ भाई ये कितना ज़्यादा लुक में अच्छा लग रहा है ना। अब देखो गाइस, इसके अंदर हम लोग ने बहुत कुछ रखा हुआ है, मतलब ये हम लोग का ऐसा चेस्ट वेस्ट है, स्टोर रूम है। एंड अगर ये ब्लास्ट हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है ना, तो भाई दिक्कत भी हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे खतरनाक, ये देखो गाइस, इधर है हम लोग का नेदर पोर्टल। एंड जैसे इसके अंदर जाएंगे ना, ये देखो भाई, ये है सीक्रेट रूम। मतलब ये मैंने नहीं बनाया, मेरे को तो पता भी नहीं था, मतलब वो जो मेरा दोस्त है उसने ये बनाया है, ठीक है। एंड ये ऐसे ही बना है, मतलब सीक्रेट नहीं है, ऐसा ही है, बेडरूम बोल सकते हो उसको। एंड गाइस, ये तो हो गई छोटी मोटी बातें, ये तो हम लोग ने एक बेसमेंट बनाया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रियल चीज़। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे खतरनाक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर चले जाता हूँ। एंड ओके, आप देखो गाइस, सबसे पहले तो मेरे को एक ट्राइडेंट मिला था यहाँ से ही। देखो हम लोग को जो है इधर एक बेसमेंट बनाते हैं, यहाँ से ही मिल गया था हमको, ठीक है, ट्राइडेंट। तो देखो यार, सबसे पहले तो आप मेरे इन्वेंट्री में देखो, मेरे इन्वेंट्री में एक एंडर चेस्ट है, ठीक है। एंड एंडर चेस्ट तो आपको पता है कि हम लोग को आईएफ एंडर से मिलती है, और हमको फोर्ट्रेस मिल चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमको फोर्ट्रेस मिल चुका है। एंड अब देखो गाइस, इसके अंदर मतलब भाई समझ रहे हो, इसके अंदर मैंने इतना सारा सामान रखा है ना, ये सब इमरजेंसी के लिए। मतलब अगर हम कभी भी बहुत ज़्यादा वॉर हो जाती है ना, तो हमको बहुत ज़्यादा इधर खाना पड़ा है, बहुत सारे एप्पल पड़े हैं जिसके से हम गोल्डन एप्पल बना सकते हैं, ठीक है। 6 गोल्डन एप्पल ऑलरेडी पड़े हैं, एक स्टैक के लगभग मैंने ऑब्सीडियन इधर रख के रखा है, ठीक है। एंड आप देखो, एन्चेंटिंग बुक के एक क्विक चार्ज 1 है और एक मेंडिंग की बुक है, ठीक है। ये देखो टोटम ऑफ एंडोन, भाई साहब ये कहाँ से आया। अब देखो यार, आपको पता होगा कि मेरे इधर एक विलेज है और मैंने वहाँ पे एक रेड भी करवाई थी, बट